Hello, my beautiful souls. How are you getting on, guys? I hope all are safe and sound. So this is my another video. But before that, I would love to shout out for all the subscribers who have recently subscribed to my channel. Thank you so very much. God bless you guys. Okay, so let's jump into the topic. So आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो. इन दिस वीडियो आई वुड लव टू टेल यू अबाउट शनि जयंती. सो टुडे इज 9th June एंड टुमारो इज 10th June. इट इज शनि जयंती. दोज पीपल हु रियली बिलीव इन लॉर्ड शनि एंड दे रियली लव टू वर्शिप हिम एंड बिकॉज दे नो दैट हिज ब्लेसिंग्स कैन चेंज देयर लाइफ्स. सो दिस वीडियो इज फॉर देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो कल आपका शनि जयंती है, बट कंसिडर करने वाला पॉइंट ये है कि कल सूर्य ग्रहण भी है. सो टुमारो इज सोलर इक्लिप्स एज वेल. सो देर इज सम एस्पेक्ट. सो आई वुड लव टू टेल यू दैट प्लीज डोंट वर्शिप लॉर्ड शनि इन द मॉर्निंग, क्योंकि दिन में लाइक इन्फ्लुएंस रहेगा उनका, लाइक व्हाट इज दैट कॉल, सूर्य ग्रहण का. बिकॉज यू नो दैट सूर्य एंड लॉर्ड शनि दे आर फादर एंड सन, सो दे हैव डिस्प्यूट. So if you believe in all this, these kind of things, right? So I would love to share this thing with you guys. So अगर आप ये पूजा करें, if you want to visit Shani temple, do that after 6:30 in the evening only. So don't worship Lord Shani. आप you can keep a fast, आप fast रख सकते हैं, but that's not a good idea to you know do all the rituals और जो भी आप करते हैं तो वो ना कीजिएगा. That would be better. आप मन में कर सकते हैं and the whole day long you can do some good karmas. Shani is all about your karma. वो आपका good और bad karma का फ्रूट देने वाले भगवान हैं लॉर्ड शनि. ओके, सो दोज पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धैया और साढ़ेसती, सो उनको स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए. एंड द पर्सन हु कम्स टू जस्ट टेक योर व्हाट इज दैट कॉल्ड टू पिक योर ट्रैश अप, जो आपका कूड़े वाला भैया आते हैं उनके साथ तमीज से बात कीजिए. दोज पीपल हु आर बेगर्स हु आर जस्ट बिलो यू, सो प्लीज उनको रिगार्ड्स दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. दिस इज ऑल अबाउट कर्मा. ओके, मुझे नहीं लगता कि दिया जला के एंड वॉशिप करके शनि भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बट रैदर आप यू कैन डू गुड कर्मास. आप अच्छे कर्म करेंगे, यू विल बी डूइंग हार्ड वर्क, सो येस ही विल बी हैप्पी विद यू गाइज. अदरवाइज ये सब रिचुअल करके कुछ नहीं होगा. इफ़ यू आर यू नो इफ़ यू आर अ बैड पर्सन, अगर आप गलत काम करते हैं तो. सो नेक्स्ट थिंग आपको बताना चाहूँगी, हाँ, कौन कौन से राशियों में आपका चल रहा है धैया. शनि का जो धैया चलता है 2.5 का, सो वो तो चल रहा है आपका लिब्रा के ऊपर, दैट इज तुला इन हिंदी, जेमिनाय के ऊपर भी. सॉरी गाइज फॉर दिस एब्रप्ट वीडियो बिकॉज समबडी इज यू नो आउट ऑफ द ब्लू अपीयर इन माई रूम एंड देन आई नीडेड टू पॉज इट अप. सो आई वुड लव टू कंटिन्यू. यस, आई वॉज टेलिंग यू धैया किस किस के ऊपर चला हुआ है. जेमिनाय मिथुन के ऊपर एंड तुला लिब्रा के ऊपर धैया चल रहा है. एंड साढ़ेसती चल रहा है धनु मकर एंड कुंभ के ऊपर. धनु इज योर सैजिटेरियस, मकर इज योर कैप्रिकॉन एंड कुंभ आपका हो गया एक्वेरियस, राइट. सो इन लोगों के ऊपर साढ़ेसती चल रहा है. सो नो नीड टू वरी, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप महामृत्युंजय जाप 108 टाइम्स पढ़ सकते हैं टू लेसन द बैड इफेक्ट ऑफ दैट थिंग. ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉर्ड शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है. प्लीज़ उनसे प्यार कीजिए बिकॉज ही इज़ द लॉर्ड ऑफ कर्मा. इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर पास्ट देन ही विल बी पनिशिंग यू फॉर दैट एंड ही वॉन्ट्स यू टू कम ऑन द राइट ट्रैक. ही इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, कमांडेंट, थानादार और आपके एक स्ट्रिक्ट गुरु की तरह होते हैं, स्ट्रिक्ट फादर होते हैं. ही इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर यू फॉर योर बैड कर्माज. वो आपको पनिशमेंट देंगे बिकॉज इफ़ आई एम योर स्ट्रिक्ट टीचर देन इफ़ यू कम लेट इन माई क्लास, यू आर नॉट वेल प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली, योर राइटिंग इज बैड एंड यू आर डूइंग दिस एंड दैट ऑल द बैड थिंग्स, सो आई विल बी पनिशिंग यू. बट येस, इफ़ आई एम लीनियंट देन आई वॉन्ट थ्रेश यू आउट ऑफ माई क्लास, तो समथिंग लाइक दैट ओनली. सो यू कैन रिलेट. तो लॉर्ड शनि इज ऑल अबाउट योर कर्मा. डरने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्मास कीजिए. ओके, बस मैं ये कहना चाहूंगा सॉरी माई हिंदी इज सो बैड अगेन. सो मैं ये कहना चाहूंगी कि इफ यू आर लाइक लाइटिंग दिया एंड यू आर जस्ट डूइंग ऑल द रिचुअल्स, आप भगवान की इतना पूजा कर रहे हैं बट आप गलत कर्मास कर रहे हैं, स्टिल यू विल नॉट बी स्पेयर्ड. भगवान जी आप
का आपको सजा जरूर देंगे, सो गेट रेडी फॉर दैट सजा, दैट पनिशमेंट, राइट। मैं इतना कहना चाहूंगी प्लीज डू कर्मास, अच्छे कर्मास कीजिए। हाँ, उसके साथ साथ में इफ यू वांट टू लाइट दिया और आप धूप दीप करना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड, बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन सो आई वुड रेदर सजेस्ट यू टू डू गुड कर्मास। अगर आपके घर में कोई ट्रैश मैन आता है, कूड़ा उठाने वाले भैया आते हैं, तो प्लीज रिगार्ड हिम, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। ऑल दोज पीपल हु आर एल्डर टू यू, जो आपसे बड़े हैं, उनको बहुत मान सम्मान दीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। एंड दोज पीपल, माली भैया आते हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी साफ करने वाला था, दोज पीपल हु आर फोर्थ क्लास, वो लोग जॉब करते हैं, प्लीज उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, डोंट सी देम लो, उनको प्लीज आप ऑनर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, हाथ जोड़िए, एंड एज मच एज यू कैन हेल्प देम प्लीज हेल्प देम आउट। ऐसे दिखावा करके कुछ नहीं होता कि पूजा कर रहे हैं इतना ज्यादा आप चैरिटी कर रहे हैं, बट गुप्त दान इज महादान, तो आप वो कीजिए, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू लर्न दिस लेसन ऑल्सो, ओके गाइज, सो आई होप इट वुड हेल्प। हाँ, लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप सुबह पूजा मत कीजिए दिन भर, बिकॉज दैट इज सूर्य ग्रहण कल 10 जून को। आप शाम को आफ्टर 6:30 यू कैन विजिट टू आर टेम्पल, विजिट टू शनि टेम्पल, एंड देन यू कैन वर्शिप। और प्लीज शनि भगवान के मुंह पर बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल मत डालिए, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, थोड़ा डालिए हल्का सा, एंड अगर आपको ज्यादा ही बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो देन यू कैन पुट नील, नील जो आता है, पहले कपड़ों में नील डाला जाता था, आई थिंक यू गाइज डोंट नो, यू कैन आस्क योर मम्मा और ग्रैंडमदर, तो नील थोड़ा सा उनके चरणों में भी डाल सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट उनको नहीं देखना होता है, आप अपने हाथ पीछे कीजिए, जस्ट टाई योर हैंड्स बैक, और उनके मुंह के मतलब लाइक उनके मुंह में, फेस में, डोंट सी हिम डायरेक्टली, उनको सॉरी बोलिए फॉर योर बैड कर्माज, उनको एक जैसे एक क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल जज के आगे कैसे खड़ा होता है, लाइक दैट ओनली उनके आगे खड़े होजिए, सॉरी बोलिए कि आई डोंट नो व्हाट कर्माज आई डिड इन माय पास्ट इन माय प्रीवियस बर्थ, सॉरी, मुझे प्लीज शो मी लाइट, शो मी राइट पैथ, मैं अच्छा करूं, प्लीज मुझे गिव मी ब्लेसिंग्स, बस ये कीजिए। और बड़ों का आदर कीजिए, प्लीज गुरु का सम्मान कीजिए, टीचर इज एवरीथिंग इन योर लाइफ, टीचर इज सो इम्पॉर्टेंट, आप समझ नहीं रहे हो, आप गुरु का तिरस्कार करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, लिटरली टेलिंग यू, आई एम ऑल्सो गुरु, आई फील सो बैड बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई स्टूडेंट्स एंड वेन दे कम अप विद बैड थिंग्स आई फील सो बैड अबाउट दैट, बट स्टिल आई गिव देम ब्लेसिंग्स बिकॉज येस आई नो दैट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं उनको हमेशा फैमिली माना है, सो प्लीज गाइज, एंड दिस video is not scripted because I don't do that, I'm authentic person and I don't want to flaunt my personality, everybody knows about me because those people who are very close to me they know me, okay, or I wanted to keep a low pace but mere paas time nahi hai, I have to prepare my lunch also, so please mujhe bahut sara kaam bhi karna hota hai ghar ka, and main haath jod ke sorry bolna chahungi about my accent, about my language because I'm gurkhali, main gurkhali hu and I speak hindi also एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर एज वेल, तो मैं बहुत सारा हॉच पॉच हो जाता है, प्लीज लाइक योर फैमिली मेम्बर इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, सो प्लीज फॉर गिव मी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कल शनि जयंती है, सो प्लीज अच्छे से मनाइए, अच्छे से कीजिए, एंड डू गुड कर्माज, ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, लव यू।